आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। पितरों की शांति के लिए किए जा रहे हैं तर्पण कर्म। 16 श्राद्ध में ओमकारेश्वर तर्पण मंडली ने किया गया शिला पर तर्पण कार्य। 16 श्राद्ध में सभी अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इसी तारतम्य में ओमकारेश्वर के निकट गया शिला नामक स्थान है, जिसकी मान्यता पंडित रूप मंगत शुक्ला ने कहा, पांडव काल में भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने अपने वनवास के समय अपने पितरों के तर्पण के लिए आग्रह किया था कि हमें एक स्थान बताए जहां पर हम अपने पितरों का तर्पण कर सके। तभी भगवान श्री कृष्ण कृष्ण अवतार में अपने चरण यहां पर रखे, जिसके फलस्वरूप यहां एक मंदिर स्थापित किया गया। तभी से द्वापर युग से ही ओमकारेश्वर के निकट गया शिला नामक स्थान पर 16 श्राद्ध में सभी यहाँ पर पितरों का तर्पण करने के लिए आते हैं एवं पूजन पाठ करते हैं, जिससे पितरों को शांति मिलती है एवं आने वाली पीढ़ी आदि सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे सब पर कृपा बनी रहती है और धन धान्य से सुखी रहते हैं, ऐसी मान्यता है। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। आज का नहीं है, द्वापर युग का बना हुआ गया शिला यहाँ पे। पहले क्या लोगों जो है गया जी जाते थे, बिहार में जो गया जी वहाँ जाते थे, लेकिन जब पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया गया और अपने वनवास हुआ पांडवों का, तब वो यहाँ भटकते यहाँ आए। लेकिन जब उनके पितरों को श्राद्ध तर्पण करने कोई जगह नहीं मिली, तो भगवान ने श्री कृष्ण को जो है याद करा। भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने उनसे बोला कि हम पितरों के लिए उद्धार के लिए कोई जो है कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर हमारे हम पितरों का पिंड दान तर्पण श्राद्ध कर सके और हमारे पितरों का उद्धार हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है यहाँ ओंकार धाम में जो है ये गया शिला नाम का एक ये यहाँ पे जो है तीर्थ चुना। उन्होंने यहाँ पे आके भगवान विष्णु ने उनके यहाँ चरण रखे, उनके चरण के उन्होंने जो पूजा पाठ करके गया शिला के नाम से यहाँ पर एक मंदिर बनाया और गया शिला नाम के यहाँ पर उन्होंने श्राद्ध तर्पण पिंड दान करा। इससे करने से उनके जो है पांडवों के पितर उतर गए, उसके बाद से उनका उत्थान हुआ। आज भी जो है गया शिला आता है अपने पितरों के निमित्त, जो भी यहाँ पिंडदान श्राद्ध करता है उसका वंश आगे बढ़ता है, उसको जो है सुख शांति धन धान्य की वृद्धि होती है, आगे उन्नति करता है तथा उसका परिवार सुखी हो जाता है। यह गया शिला का जो है पूरा बहुत प्राचीन गया शिला का मंदिर है। यदि कोई गया जी बिहार नहीं जा सकता हो यहाँ आके करे, तो उसका जो है यहाँ पे उसका पुण्य पूरा मिलेगा जो गया जी मिलता है। आपका परिचय? पंडित रुक्मांग शुक्ला। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान ओंकारेश्वर के सानिध्य में मोक्ष का केंद्र भगवान गया शिला, जो कि भगवान के चरण स्वयं यहाँ पे है अपने यहाँ पर, और ये बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। अगर वे लोग अपने पितृ दोष निवारण हेतु यहाँ पर आकर के अपने पितरों के उद्धारार्थ कुछ भी अच्छे कर्म करेंगे यहाँ आकर के, जैसे गजेंद्र मोक्ष है, भागवत गीता का पाठ है, भागवत जी का स्मरण करेंगे, भगवान नारायण का स्मरण करेंगे, तो उन्हें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और विशेष 16 दिन ये पितरों की पितृ दोष की मुक्ति पाने के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए विशेष 16 दिन होते हैं। जो भी यहाँ पे 16 दिन आकर के पूजन करेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती, क्योंकि इस संसार में भगवान को किसी ने नहीं देखा है और भगवान है भी, तो भगवान केवल उद्धार और कल्याण के लिए होते हैं, अपनी सारी मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पितृ देवता होते हैं। इसलिए पितृ ही मनुष्य की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी यहाँ 16 दिवस आकर के कर्म करता है उनको पितृ दोष से मुक्ति मिलकर पितरों की कृपा से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। बोलो पितरेश्वर भगवान की। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित दीपक अत्रे।